थैंक यू सी। यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह इस वीडियो में बात करूंगा कि इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की जो रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म आवेदन हो रहा है वो कैसे करें। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से या डेस्कटॉप से घर बैठे अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और इसकी इंडिया पोस्ट की जो लास्ट डेट है वो 5 जून है, और इसकी जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनकी 100 रुपये फीस जा रही है, और एससी एसटी वालों की कोई फीस नहीं जा रही है, और फिर ऑल कैटेगरी फीमेल की कोई फीस नहीं जा रही है, और मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर है। इसकी टोटल पोस्ट है वो 38,926 हैं, और यहाँ स्टेट वाइज यहाँ पोस्टें दे दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 2,519 पोस्ट हैं, उत्तराखंड में 353 पोस्ट हैं। इसी टाइप से आपको सभी स्टेट की पोस्टें दे रखी हैं, और यहाँ आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है और वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंच गया, आपको वो फिल कर देना है। और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुल वैलिडेट हो गया है, और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मेल आईडी फिल करना और वैलिडेट ईमेल कर देना है। वैलिडेट ईमेल करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर मैसेज पहुँच गया है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपकी ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली हो गई है। आपको नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम फिल कर देना है, जिसका भी फॉर्म फिल करना है उसका नाम फिल कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर फादर्स नेम दे रखा है, इसमें फादर्स नेम फिल कर देना है। यहाँ पर जिसकी भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर DOB फिल कर देना है। नेक्स्ट सिस्टम में आपको यहाँ पर 6 नंबर पर दे रखा है जेंडर, यहाँ पर आपको जेंडर क्या है वो फिल कर देना है, और यहाँ पर कम्युनिटी आपका वर्ग क्या है वो फिल कर देना है, किस कैटेगरी से है। यहाँ पर सर्कल इन 10th क्लास, आपको 10th क्लास कौन से बोर्ड से किया है या कहाँ कौन से राज्य से किया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, 10th क्लास पासिंग ईयर कौन सी है वो आपको यहाँ पर 10th क्लास पासिंग ईयर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको 10 नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको कैप्चर कोड दे रखा है, आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो गई है, और आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट सिस्टम में यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना है। और यहाँ 11 नंबर वाले कॉलम में आपसे पूछ रहे आर यू ए पर्सन विद डिजेबिलिटी, तो यहाँ पर आप अगर डिजेबिलिटी है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और आपको लैंग्वेज 10th क्लास की लैंग्वेज कौन सी है वो यहाँ पर फिल कर देना है। वेदर एम्प्लॉयड, यहाँ पर आपका वेदर एम्प्लॉयड क्या है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, अगर है तो आप पास NYC अवेलेबल है तो यस कर देना है। और आपका नेक्स्ट 14 नंबर का कॉलम है, उसमें आपको मांग रहा है 50 KB 200 DPI का फोटो,
यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, नीचे नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं अभी फोटो अपलोड करके दिखाऊंगा। फोटो अपलोड सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे मांग रहा है सिग्नेचर, आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आपसे ये कैप्चर कोड है वो फिल करने को बोल रहा है, ये आपको कैप्चर कोड नंबर फिल कर देना है। आपको पहले प्रीव्यू डिटेल करना है, यहाँ पर प्रीव्यू करने के बाद आपको ये चेक कर लेना है एप्लीकेंट नेम आकाश, फादर्स नेम, डिजिट, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, आपको सभी चीज़ चेक कर लेनी है ठीक से। और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है और इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कॉलम में शो हो रहा होगा पे एग्जाम फीस, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो कर लेना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या वैलेट QR या UPI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको पेमेंट कर लेना है। देख सकते हैं आप ये पेमेंट सक्सेस हो गया है, आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको फिर वापस आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन से आगे लॉगिन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है और जो भी आपने सर्किल सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर OTP मिल गया है, OTP यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है। आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको हाउस नंबर कर देना है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट डाल देना है।
यहाँ पर आपको विलेज सिलेक्ट कर लेना है। पंचायत डाल लेनी है, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट या मंडल आपको फिल कर देना है। आपको यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कर देना है। यहाँ पर आपको सीएमएच कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड आपने किस बोर्ड से पढ़ी है, यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी मार्कशीट में मार्क टाइप है वो यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में कितने मार्क्स आए वो आपको यहाँ पर आपको हाई स्कूल की सभी सब्जेक्टों के मार्क्स फिल कर लेने हैं। आपको यहाँ पर देख रहा है कॉलम में इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स 100 में से कितने आए वो आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हिंदी में मार्क्स कितने आए वो भी आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए आपको यहाँ पर फिल कर लेने हैं। और यहाँ पर फिल आपको चूज कर लेना है साइंस, साइंस चूज करने के बाद आपको यहाँ पर साइंस में जितने नंबर आए आपको वो भी यहाँ पर फिल कर लेने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर चूज कर लेना है सोशल साइंस। यहाँ पर सोशल साइंस में आपके मार्क्स कितने आए वो भी आपको फिल कर लेने हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ड्राइंग। ड्राइंग में मार्क्स कितने आए वो आपको फिल कर लेने हैं और इसको स्क्रॉल कर लेना है। आपको यहाँ पर सी जी पी ए स्कोर, आपको टोटल मार्क्स कितने आए वो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिवीजन चेक कर फिल कर देना है। आपने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया था, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी डिवीजन है आपको वो आपको एक चूज कर लेनी है, जैसे कि आपको कोई भी चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सेवाइज प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको जो सबमिट ओके, आपका जो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। आपका एप्लीकेशन, आपका फॉर्म है वो पूर्ण रूप से सबमिट हो गया है और आपको इस फॉर्म को आपको प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा कि GDS ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं, अगर ग्रामीण डाक सेवक की आपको ऑनलाइन इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। अगर ऐसी और भी टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो मेरे टेक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।